माय लॉर्ड्स, इरुला आदिवासियों को उनके गांव में भी रहने नहीं देते। कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी की वाहवाही होती थी उन्हें कोई नहीं पूछता। सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूक करती है। मिस्टर चंद्रू, इज दिस अ हाई कोर्ट और अ हिस्ट्री क्लास? आई डोंट अंडरस्टैंड। इतिहास भूल गए, इसलिए ये नौबत आई है। तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनौना सुलूक कर रही है हमारी सरकार। दो चार पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली संगिनी, लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो संगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे टूटने ना दे। और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये संगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है वो संगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नगी है और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलपति कारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता हूं। माय लॉर्ड्स, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। हम इरुला आदिवासियों के सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं संगिनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है, ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हिबिस कॉर्पस पिटीशन है। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड्स। बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के राजा कन्नू और उसके परिवार को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करके उन पर जुल्म किए गए। राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है। एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरा सामी और कांस्टेबल किरवा करण, कोर्ट इन तीनों को कसूरवार मानती है और इन्हें इसी वक्त गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इसी के साथ संगिनी को 3 लाख रुपए का हर्जाना और मोसुकुट्टी इरटप्पन और पच्चेयम्माल को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश देती है। इसके अलावा ये कोर्ट सरकार को गांव के बीचों बीच संगिनी को 1200 स्क्वायर फीट पट्टा जमीन देने का आदेश देती है। अगर पुलिस और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करें तो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर जो कलंक लगा था उसे मिटाकर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आईजी पेरुमाल स्वामी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रू ने जो मेहनत की है, कोर्ट उसकी सराहना करता है।